झारखंड में गरजे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी। बटे थे तो आप पटना में एक रहेंगे सेफ रहेंगे। योगी को सुनने के लिए उमड़ा जनता का जनसैलाब। उत्तर प्रदेश में न घुसपैठिए हैं, न कोई को हत्या करने का विश्वास कर सकता है, न कोई किसी बेटी के साथ बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का विश्वास कर सकता है। और अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने को हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट कटा। झारखंड में सीएम योगी की एक के बाद एक जाम तोड़ सभाएं। आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे करे, नहीं एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आपका उत्साह है, लेकिन चुनाव तक हमें जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना है। झारखंड में 20 तारीख को होने वाली है विधानसभा के दूसरे चरण की वोटिंग, और उससे पहले ही अब जो तमाम सभा या चुनाव प्रचार कहे वो चल रहा है आखिरी चरण में। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ फिर एक बार पहुंचे हैं झारखंड में, और जहां जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ झारखंड में पहुंचे हैं चुनावी रैली करने, तो उनकी रैली को सुनने के लिए पहुंचा है, यानी कि उमड़ पड़ा जनसैलाब। नजर डालिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता का किया है स्वागत, और किस तरीके से जनता जो है वो जोश में नजर आई है सीएम योगी आदित्यनाथ को देखकर। भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम, नमः पार्वती पते हर हर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सन 2000 में 15 नवंबर की तिथि को झारखंड निर्माण की तिथि घोषित करते हुए संसद में घोषणा की थी, तब मैं सांसद था, और तब ये मुद्दा आता था झारखंड का निर्माण और झारखंड का वंश से कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और बहन और भाइयों, मुझे ये कहते हुए कि जो सपना अटल जी ने देखा था उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक विकास में पिछड़ गया, प्राकृतिक रूप से संसाधनों का भरपूर, लेकिन यहां का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। कारण है उसे शासन की योजना से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। यहां पर नागरिक, यहां का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहन और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था क्या? क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा
मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था, यह पैसा झारखंड की जनता के विकास के लिए भेजा गया पैसा था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने डकैती डालने का काम किया है। और इसीलिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आवश्यक है, यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। आपने सुना कि किस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में ही बोल दिया हमला, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोलते हुए जेएमएम और कांग्रेस के लिए हमला यानी कि जिम्मेदार जो है वो ठहराया है। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर। मुझे बताया गया कि राजमहल साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जा कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है। यहां पर जो लोग धक्का दे रहे थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ चलते, एक एक कदम थोड़ा पीछे चल देते तो आगे कुछ बच्चे और महिलाएं बैठी हुई है, उनको सुरक्षित बैठ जाएंगे। सब लोग आराम से बैठे, हम लोग आराम से बोलने के लिए आए हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे, एक एक कदम पीछे मैं अनुरोध करूंगा, तो पीछे है और एक एक कदम थोड़ा पीछे की जितना चले जाएंगे तो आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं आराम से वे भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, एक ही बात कहने के लिए आया हूं और बात कहने के लिए आया हूं। जैसे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के कारण उत्तर प्रदेश में न घुसपैठिए हैं, न कोई गौ हत्या करने का दुस्साहस कर सकता है, न कोई किसी बेटी के साथ बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस कर सकता है। और अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। यह काम केवल भाजपा करेगी, यह काम भाजपा गठबंधन ही कर सकता है, यह काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस नहीं कर सकती है। और इसी के साथ देखिए कि जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं चुनाव प्रचार है और उसी के दौरान जनता में जो है वो अलग ही जोश नजर आया सीएम योगी आदित्यनाथ को देखकर, जो कि लगातार आगे आने की कर रहे हैं कोशिश, जिन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है संदेश। आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं, भाई थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आपका उत्साह है, लेकिन चुनाव तक हमें जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना है। देखो आगे दिव्यांगजन बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, और इसीलिए उत्साह भी होना चाहिए लेकिन जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। नहीं तो ये घुसपैठिए कहीं भी सेंधमारी करने का काम करेंगे और इसलिए इनको सेंधमारी करने का अवसर नहीं देना है।
और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड की जनता से किया वादा कि आएगी एक बार बीजेपी सरकार तो मिलेंगे क्या क्या फायदे। मोदी जी ने घोषणा कर दी है भाजपा की सरकार आते ही 21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक पक्का घर देने का काम करेंगे। एक एक पक्का घर मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपया हर महीना फंड कराएंगे और यह भी घोषणा की है जितने नौजवान स्नातक के होंगे प्रास्नातक के होंगे यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के होंगे प्रत्येक नौजवान को 2000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराएंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 5000 रुपये महीना देंगे और यही नहीं यह भी कहा गया है यह भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बहन और भाइयों ये जितने भी घुसपैठिए हैं इन घुसपैठियों को जैसे ही सरकार बनेगी एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे और दूसरी तरफ डेढ़ लाख सरकारी नियुक्ति का विज्ञापन भी झारखंड के अंदर जारी होकर के पारदर्शी तरीके से झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी झारखंड के अंदर ही देने का कार्य किया जाएगा। और अब आती है बारी यानी कि इस बार जो है वो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का वो नारा जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं सवाल, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और इसी नारे का जादू जो है वो दिखा हरियाणा चुनाव में और अब इंतजार है कि इसी नारे को लेकर जो है वो कितना ज्यादा प्रभावी नारा ये जो है ये झारखंड और महाराष्ट्र में दिखाई देगा। और इसी साथ सुनिए क्या कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर और किस तरीके से जनता में जोश आ गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के ये बोलते ही। नजर डालिए और आप भी सुनिए। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था, बहन और भाइयों अब बटना नहीं है। बटे थे तो अब पटना में एक रहेंगे सेफ रहेंगे न बटेंगे न कटेंगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। बहन और भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता तो अयोध्या में पान नहीं झेलना होता। अगर हिंदू बटा नहीं होता तो काशी में अपमान नहीं झेलना होता। हिंदू बटा नहीं होता तो मथुरा में अपमान झेलना नहीं होता। हम इस जब बटे थे तो अपमान झेलना पड़ा था और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहन और भाइयों बटना नहीं है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, इनसे सावधान रहना है।
और सावधान रह करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ आह्वान को आगे बढ़ाना है। आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये झारखंड में अपनी चुनावी सभा की है और आज एक नहीं बल्कि तीन तीन सभाएं जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की झारखंड में होने वाली है और उसके बाद 20 तारीख को होगी दोनों ही राज्यों में वोटिंग। आपके लिए बता दें जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राज्यों में कर रही है मेहनत और धुआंधार जो है वो रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की दोनों ही राज्यों में हो रही है और वहीं दूसरी तरफ तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो भी विपक्ष को घेरा जा रहा है। क्योंकि अगर बात झारखंड की करें तो झारखंड की ये जो सरकार है वो काफी ज्यादा विवादों में रही है, चाहे फिर वो नेताओं के घर से करोड़ों रुपया मिलना हो या फिर कांग्रेस और इसी के साथ झारखंड सरकार की जो एक मिलीजुली सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की, इनके द्वारा किए गए बीते 5 सालों में भ्रष्टाचार हो जिसको लेकर अब लगातार जो है वो बीजेपी मुद्दा बना रही है और इन भ्रष्टाचारों को अपनी रैलियों के दौरान जो है यानी कि द्वारा जनता के सामने रखने का काम भी बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। खैर अब इस पूरे मामले यानी कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे और बटेंगे का नारे पर फिर एक बार जोर दिया है और घोटालों को भी जनता के सामने रखा है। खैर अब इस पूरे यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर, सीएम योगी आदित्यनाथ की इस चुनावी चर्चा को लेकर आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।